हेलो जी, मैं मोदी भवन से बोल रही हूँ। मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ और आप प्लीज उसे यहाँ भिजवा दीजिएगा। लिखिए, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक, एक वेफर का पैकेट, 3 चॉकलेट आइसक्रीम और कुछ बिस्किट्स। कोल्ड ड्रिंक 2 कर दीजिए। ओके, थैंक यू। किंजी बिन, आपने जो सब सामान मंगवाया अभी किराने वाले भाई से, आप और एक बार उसे दोहराएंगी? क्यों गोपी? भाभी, किंजल बिन, वो माँ जी ने मुझसे कहा है कि जब भी किराने वाले भाई से सामान मंगवाया जाएगा तब मुझे उसे लिख लेना चाहिए ताकि आगे जाके हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी ना हो। अच्छा, तो अब तुम इन सब चीजों का भी हिसाब किताब रखोगी कि मैं क्या खाती हूँ और क्या पीती हूँ जी? और एक बात सुन, ये जो हिसाब किताब है ना, ये तुम अपने पीहर वालों का रखो, क्योंकि वो सब किंजल बिन, मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, और तुम ही क्या, इस घर में किसी को नहीं पसंद कि मैं इस घर में रहूं, इसलिए तो मेरे खाने पीने उठने बैठने सब चीजों का हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन तुम एक बात याद रखो गोपी भाभी, कि आइंदा से अगर तुमने मेरी चीजों का हिसाब किताब मांगा तो ठीक नहीं होगा। किंजल, क्या है किंजल? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, हजारों बार तुमसे कहा है कि गोपी वह इस परिवार की बहू है, तुम्हारी बड़ी भाभी, उससे तमीज से बात करो। क्या पूछा गोपी वह ने तुमसे? सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा, उसका सीधा सीधा उत्तर देने की बजाय तुमने अपनी भाभी को 4 बातें सुना दी। उसके साथ बदतमीजी की तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? इस घर में हिसाब किताब रखना कोई गलत बात तो है नहीं, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, और यही बात मैं गोपी वहू से करवा रही हूं, तो क्या गलत कर रही है गोपी वहू? माफी मांगो अपनी बड़ी भाभी से। माँ, मैंने गोपी भाभी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने जो कुछ कहा सच कहा, वैसे ही जैसे कि आप कहते। एक मिनट, खुद की तुलना मेरे साथ मत करना। मैंने कभी भी अपने से बड़ों के साथ बदतमीजी से बात नहीं की है, हमेशा उनका लिहाज रखा है, उन्हें सम्मान दिया है। याद रहे, आइंदा अगर मैंने तुम्हें अपनी गोपी भाभी के साथ बदतमीजी करते हुए सुना या देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगी। माफी मांगो गोपी वहू से। सॉरी गोपी भाभी। जाओ, गोपी वहू, मैं बैंक जाकर आती हूं।